शनिवार को मोहद्दीपुर चौराहे पर एडीजी जोन अखिल कुमार, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांड्यन, एसएसपी जोगेंद्र कुमार के द्वारा जाम की समस्या के समाधान के लिए किए गए निरीक्षण के बाद जारी निर्देशों का मंगलवार को सीओ ट्रैफिक नितेश सिंह द्वारा कड़ाई से पालन कराया गया, जिसके कारण मंगलवार को मोहद्दीपुर चौराहे पर जाम की समस्या देखने को नहीं मिली। इस दौरान देवरिया की तरफ से आने वाले बड़े वाहनों को पैडलेगंज की तरफ जाने के लिए प्रवेश नहीं दिया गया तथा चौराहे पर एक तरफ के वाहन जाने के बाद ही दूसरे तरफ के वाहन को जाने दिया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ ट्रैफिक नितेश सिंह ने कहा, यातायात व्यवस्था में जो आप विजिबल यहाँ देख रहे हैं, ये मेरे दाहिने जो है, ये लेफ्ट में एक डाइवर्जन की लेन बनाई गई है, तो थोड़ा डीप की गई है चौराहे से, जो खास तौर से कूड़ा घाट से आने वाले ट्रैफिक के लिए। ये एक विजिबल आपका डाइवर्जन है, इसके अंदर एक सब डाइवर्जन आगे हमने कर रखा है देवरिया बाईपास से, तो उस हिसाब से ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए हमने वर्क किया है। नियम तोड़ने पर कार्रवाई का जो उल्लंघन करेगा उस पर चालान की व्यवस्था है। हमारे एक TSI स्वयं और एक हेड कांस्टेबल लगातार इसी बात के लिए डिप्यूट किए गए हैं कि चौराहों पर जो भी नियम का उल्लंघन करेगा तो उस पर वर्क किया जाएगा। पहले क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव स्टेज है, अभी बनाया है, पहली बार किया है, तो अवेयरनेस बढ़ा के उसको क्रियान्वयन में जब लाएंगे तब उसको रेगुलराइज करना है। और हाँ, अभी जो वैसे और नियम तोड़ेगा तो उस पर कार्रवाई है। जन जागरूकता के लिए अभी है, हमने NCC से लोगों के आने का है, बच्चे आके यहाँ करेंगे, पैम्फलेट वगैरह हमें डिस्ट्रीब्यूट कराने का है, और हम डिस्प्ले बोर्ड्स भी ला रहे हैं, साइन बोर्ड्स, तो वो लगाएंगे कंटिन्यूस अपना लाउड एलर वगैरह से माइक से अनाउंसमेंट करा के। ये 3-4 प्रमुख चीज़ों को हमने अभी टारगेट में लिया है, जैसे आगे होगा वैसे कार्रवाई की जाएगी विद न्यूज़पेपर और आप जैसे मीडिया के माध्यम से भी हम इसमें लगातार कंटिन्यूस अपील कर रहे हैं लोगों से।